माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया आपको समझा रहे। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैज बीन कंपोज बाय ग्रेट पोएटेस एंड रिच। ये जो पोएम है, जो कवित्री हैंड्रिच द्वारा कंपोज की गई है, सी जैन अमेरिकन पोएटेस और वह अमेरिका की कवित्री है। द पोएम सेंटर नहीं, द पोएम ब्रिंग्स आउट कहते क्लियर करना, स्पष्ट करना, द स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ए वुमन हैज टू गो थ्रू इन ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी। कि एक महिला को किन किन परेशानियों का करना परेशानियों का सामना करना पड़ता है पुरुष प्रधान समाज में, कि जहाँ पर पुरुष ही कोई मुख्य माना जाता है। आंट जेनिफर द प्रोटोगोनिस्ट इज ए सिंबोलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आंट जेनिफर है वो संसार की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। वार विक्टिम ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ पैट्रिकल सिस्टम। जो पितृप्रधान समाज है उसके कारण महिलाएं किस प्रकार से शोषण का शिकार होती हैं, ये इसमें मतलब स्पष्ट किया गया है। द पोएम इलुस्ट्रेट द पोएटेस फेमिनिस्ट कंसर्न बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड एक्सोटिक पावरफुल टाइग्रेस एम्ब्रेस बाय आंट जेनिफर एंड कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर हरसेल्फ। वो आंट जेनिफर के रूप में जो पर्दे पर टाइगर्स बनाती हैं, और टाइगर्स जो है शक्ति का प्रतीक है, और वो ये मैसेज कन्वे करना चाह रही है कि हमें भी मजबूत होकर के, पावरफुल होकर के, जो बुराइयां हैं, जो समाज में गलत बातें हैं, उनका अपोज करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। कॉमेंट देखिए, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल लूसिड एंड इंप्रेसिव। जो इस कविता की भाषा है वो सिंपल है, स्पष्ट है और प्रभावशाली है। इट इम्पार्ट्स ए मैसेज टू द रीडर्स, ये श्रोताओं को एक संदेश देती है, दैट प्रॉपर रेस्पेक्ट शुड बी गिवन टू एवरी लेडी इन द सोसाइटी। कि समाज में प्रत्येक महिला को पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए, और ये पुरुषों का कर्तव्य है कि उनका सम्मान करें और उनको समाज में सम्मानित जीने में, जीवन जीने में सहयोग करें। ओके, थैंक्स।